ट्यूबवेल से निकल रहा गर्म पानी खेत की सिंचाई के लिए किसान ने कराया था खनन। आश्चर्यचकित हैं लोग। बलरामपुर के नगरा गांव में खेत में सिंचाई के लिए खनन कराने के बाद ट्यूबवेल से गर्म पानी निकल रहा है, जिसे देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित हैं। कुदरत का चमत्कार मान रहे हैं। हालांकि जमीन के भीतर सल्फर तत्व की मात्रा होना गर्म पानी निकलने का प्रमुख कारण हो सकता है। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत नगरा में किसान कालधारी सिंह ने अपने खेत में सिंचाई के लिए बोर कराया, लेकिन ट्यूबवेल से अचानक गर्म पानी निकलने लगा। कौतूहल का विषय बन गया है। इसे देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। ताता पानी में निकलता है गर्म पानी। बलरामपुर के ताता पानी गाँव में धरती के भीतर से अनवरत गर्म पानी निकल रहा है। इस गर्म पानी के रहस्य को देखने बड़ी संख्या में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वैज्ञानिक धरती के भीतर सल्फर की मात्रा अधिक होना गर्म पानी का कारण मानते हैं। ताता पानी के बाद बलरामपुर जिले में यह दूसरा स्थान है जहां से जमीन के भीतर से गर्म पानी निकल रहा है। किसान कालधारी सिंह ने बताया कि उन्होंने सिंचाई के लिए अपने खेत में 216 फीट बोर का खनन कराया था, उस दौरान भी गर्म पानी निकला। किसान ने जब ट्यूबवेल चालू किया तब से लेकर अब तक इसमें से उबलता हुआ गर्म पानी निकल रहा है। गर्म पानी निकलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पानी की समस्या को देखते हुए ग्राम पंचायत नगरा के किसान कालधारी सिंह ने करीब 2 महीने पहले अपने खेत में बोर खनन कराया था, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि गर्म पानी निकलेगा। गर्म पानी निकलने से किसान चिंतित है। गर्म पानी से वह अपने खेतों में सिंचाई नहीं कर सकते। गर्म पानी को तालाब में पहुंचा रहे हैं। जब पानी ठंडा हो रहा है तब अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। जमीन के भीतर हो सकता है सल्फर तत्व। जमीन में सल्फर तत्व होने के कारण यहां से निकलने वाला पानी गर्म पानी निकल रहा है। इसी वजह से ज्वालामुखी भी निर्मित होते हैं। इसके पीछे यही वजह हो सकती है। पीएचई विभाग को गर्म पानी निकलने की कोई जानकारी नहीं है। नहीं गिर रहा है ये, आप लोगों को कैसा लग रहा है पानी? ये सुनने में आया गर्म पानी है। ये ताता पानी में जो निकला है ना गर्म पानी जी, सेम वही उसका गंधक भी वैसे ही है, सेम ताता पानी टाइप के गर्म पानी है। ये मैं अभी बलरामपुर जिला के रामचंद्रपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत नगरा में हूँ, खोपा दादर पारा। ये कोलधारी सिंह व्यक्ति है जो अपना खेत के लिए यहाँ बोर करवाए हैं। उसमें 2 महीना से मशीन जब लगाया तो 2 महीना से गर्म पानी निकल रहा है। वो अपना तालाब में पानी डालते हैं, तालाब में जब ठंडा करके उसके बाद सिंचाई करते हैं। चल ये पानी को जो जा रहा है, देखिए तालाब में जा रहा है, तालाब में जब ठंडा हो जाता है तब वहाँ पंप। बलरामपुर से रामजीवन यादव, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।